सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति 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 वैदिक जीवन पद्धति में हम चर्चा कर रहे थे प्रातः काल दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के मुख शोधन दंत धावन जिसमें चर्चा की गई थी कि अनेक प्रकार के जो कटु तिक्त कषाये दातून होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए कुछ लोग दातून का प्रयोग करते हैं आज के समय में कम लोग ब्रश का प्रयोग ज़्यादा करते हैं ब्रश के प्रयोग में भी ये बताया गया था कि ब्रश करते करते वह उसमें बहुत सारे जीवाणु बहुत सारे कीटाणु और बैक्टीरिया हो जाते हैं तो उसको गर्म पानी में डाल करके ही करें अथवा बीच बीच ब्रश को बदलते रहें जो विधान ऋषियों ने किया है दातून का गाँवों में विशेष रूप से बबूल खदीर आदि नीम आदि दातूनों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और विशेषकर आयुर्वेद में दो बार दंत शुद्धि की बात कही जाती है एक तो प्रातःकाल करें इसके बाद भोजन करने के बाद पुनः करें इसको दातों का विधान है कटु तिक्त कषाय जिभ्या की जड़ता मुख की विसरता विरस्ता और फीकापन दांतों का मैलापन मसूड़ों का ढीलापन मुख की दुर्गंधता आदि को दूर करता है यदि आप दातुन करते हैं प्रातःकाल तो जो रसहीनता का आभास कभी कभी होता है रोग विशेष में तो वह समाप्त हो जाता है कई लोग कुछ भोजन करते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि मीठा है कि खट्टा है इसमें नमक कम है कि ज़्यादा है जीभ का स्वाद बदल जाता है परंतु यदि आप दातून का प्रयोग करते हैं तो आपको प्राकृतिक रूप में जो स्वाद होना चाहिए अर्थात स्वाद का जान जीव को जो होना चाहिए वो होगा उसमें बराबर लार बनेगी और जो मसूढ़े हैं वो भी मज़बूत होंगे क्योंकि मसूढ़े जब ढीले हो जाते हैं तो उनमें अन्न या जो भी हम खाते पीते हैं उनमें स्थान बना लेता है वो और वह फिर बदबू दुर्गंध पैदा करता है उसमें फिर सड़न पैदा होती है पायरिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं फिर उससे धीरे धीरे रक्त बहने लगता है खून बहने लगता है और खून बहते बहते फिर उसमें जो है और ज़्यादा उसकी स्थिति ख़राब हो जाती है सड़न पैदा होती है भयंकर रोग हो जाते कई बार तो मुख के घाव दाने पड़ जाते हैं और कैंसर तक हो जाता है इसलिए प्रातः हम मुख को शुद्ध करें साफ़ करें अनेक जो धातून के रूप में हैं यहाँ तो उनका हम प्रयोग करके महर्षि सुश्रुत के अनुसार कषाय रस में खदिर और बबूल तिक्त रस में नीम और कटु रस में करंज सर्वश्रेष्ठ दातून के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और इसका खूब प्रयोग होता भी है कहा निम्बस च तिक्त के श्रेष्ठा कसायें खदिरस तथा मधुको मधुरे श्रेष्ठा करंजा कटुके तथा आप लिख सकते हैं क्योंकि आप प्रवास में भी जाते हैं और दूसरों को भी इसका ज्ञान मिले सुश्रुत के अनुसार महर्षि सुश्रुत के अनुसार कह रहे हैं कि इनकी जो है दातुने बहुत ही अच्छी होती हैं जैसे निम्बश्च तिक्त है ये निबसठ तिक्त कषाए के, तिक्त के, निम्बस चातिक तके श्रेष्ठा कसाय कसाय खदिरस तथा खदिरस तथा लिख दीजिए तथा खदिरस नीचे लिख देता हूं खदिरस तथा और आगे लिख रहे हैं मधुको मधुरे श्रेष्ठ मधुको मधु को मधुको मधुरे मधुरश्रेष्ठ करंज कटुके तंज करंज तथा कटुके तथा उच्चारण कर सकते हैं निंब्चाति के श्रेष्ठ कषाय खीर तथा मधुको मधुरे श्रेष्ठ करंज कटुके तथा ये विशेष बात जो गांवों में जिसका पालन किया जाता है और यदि नहीं जानकारी है तो आप आज से जान लीजिए कि ये जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि कषाय रस्बे जो विशेष दातुन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं वो खदिर हैं और बबूल, खूब जो है इसका प्रचार भी होता है और बबूल और नीम खदिर आदि ये औषध गुण से भरपूर हैं केवल दांतों के लिए ही नहीं ये मनुष्य मात्र के लिए महा औषधि का कार्य करते हैं ये वृक्ष यदि नहीं है पास में तो इनको लगाना चाहिए इनसे उपकार लेना चाहिए क्योंकि बिना वृक्ष के हमारा जीवन नहीं चल सकता है तो यहाँ पर दांतों के रूप में यदि आप कसाय रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो कसाय आपके दांतों को मजबूत करेगा आपके मसूड़ों को मज़बूत करेगा और बहुत ही अच्छा होता है ये और कह रहे हैं कि जो तिक्त है तिक्त रस के जो है दातूनों में नीम का जो है प्रयोग बहुत ही उत्तम है और कटु के जो कटु है कटुके करंजा कटुके तथा करंज का सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है इन वृक्षों में से कुछ क्षारी तत्व और तेल होते हैं जो कि दंत दाढ़कर होते हैं क्रमिनाशक ये बता रहे हैं कि कैसे इसका जो है दांतों को हम मजबूत करें और मुख की शुद्धि कैसे हो तो कह रहे हैं कि ये कृमिनाशक है जो दातून का प्रयोग करेंगे तो ये कृमिनाशक है और जंतुग्न हैं वृण रोपण हैं कभी कभी खाते पीते कहीं जो है दांतों के बीच में कभी जीभ आ जाती है या बगल की थोड़ी सी चमड़ी आ जाती है तो वो उसमें जो है घाव हो जाते हैं तो यदि आप दातून का प्रयोग करते हैं तो अपने आप वो ठीक हो जाएंगे और रक्त शोधक है, जैसे नीम तो हम सब जानते हैं परिचित हैं कि रक्त में जो अशुद्धि होती है वो नीम के साबुन का भी प्रयोग करते हैं नीम के रस का भी प्रयोग करते हैं और प्रातःकाल नीम की कोपले खाते हैं जिससे हमारा जो शरीर का दूषण है जो दोष है वो समाप्त हो जाता है और घाव में भी इसकी जो है पत्ती को पीस करके लगाते हैं इसकी जो है छाल का प्रयोग करते हैं ये बचपन से जो है हमको विरासत में ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनको आज के लोग ना जान करके छोटी छोटी चीज़ों में छोटा सा दाना भी निकल आया छोटा सा घाव भी हो गया तो सीधा डॉक्टर के पास ले जाते हैं ये जो नीम है महा औषधि है इसकी छाल भी प्रयोग में आती है पत्ती भी प्रयोग में आती है इसका रस भी प्रयोग में आता है इसकी गोंद भी प्रयोग में आती है इसके जो है फल भी प्रयोग में आती है निमोली बहुत ही उत्तम है तो इसकी चर्चा फिर आगे करेंगे तो दातून के रूप में नीम बहुत बड़ी औषधि का काम करती है जैसे कि नीम में मार्गोसिन और बबूल में टैनिन अरेबिक एसिड कैल्शियम एवं मैग्नीशियम और करंज में करंजन नामक जंतुघ्न तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे मुख को बहुत ही शुद्ध करते हैं रोगों से बचाते हैं दुर्गंध से बचाते हैं जिससे हमारे मुख में ताजगी बनी रहती है कभी भी दांतों के और मसूड़ों के रोग नहीं हो पाते हैं इसलिए प्रातःकाल दातून का प्रयोग सर्वोत्तम है और जब दातून ना हो तो जैसा बताया कि ब्रश से आप करें लेकिन ब्रश का सावधानी के साथ प्रयोग करें किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं जैसे बोले ये जो है नीम दातुन जो है नीम का हो या बबूल के दातु से ब्रश करना चाहिए दांत साफ़ करना चाहिए अगर ये नहीं हो तो अगर ए, मंजन से करते हैं तो उंगली की बात आती है तो लेकिन उंगली जो है तरजनी उंगली बोलते हैं इसको हाँ जिससे बोल बताया जाता है जो इससे जो आँखों के भी नहीं मजना चाहिए चाहे दांत भी नहीं साफ करना चाहिए क्योंकि सारा शक्ति तरजनी तर्जनी अंगुली में होता है तो इसको ना करके फिर कौन सी अंगुली को से, इस करने का से प्रयोग करें बीच वाली का मध्यमा का जी हाँ मध्यमा जब आप मंजन करें मंजन का भी बहुत अच्छा प्रयोग बताया है कि मंजन का प्रयोग व्यक्ति को जो है पाउडर के रूप में करते हैं तो घरों में भी आप बना सकते हैं मंजन को और जो आ, अभी तो पूरे राष्ट्र में पूरे विश्व में व्याप्त हो गया है पतंजलि दंतकांति और पाउडर आप इसको भी ले सकते हैं इसका भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि आज के ज़माने में बड़ी मिलावट है पहले भी मैंने कभी आपको बताया होगा कि जमाना है मिलावट का मिलावट खूब होती है बची ना कोई चीज़ ख़ालिश के बीजों में मिलावट है ये हिलते दांत, हाँ, ये धुंधली आँख यूँ फरियाद करते हैं कि अंजन में मिलावट है मंजन में मिलावट है तो मिलावट को जो है हम लोग सेवन करते हैं तो दांत तो हिलेंगे ही आँखें जो है धुंधली होंगी होंगी तो यह पतंजलि का आप प्रयोग कर सकते हैं और जी स्वामी जी दांतों को मिट्टी से साफ कर सकते हैं कि नहीं दांतों को मिट्टी से साफ करने का विधान नहीं है परंतु आप जो है क्योंकि बचपन में हमने देखा भी है सुना भी है आप जो चूल्हा होता है चूल्हे की जो पकी मिट्टी होती है उसमें उसका आप मंजन बना सकते हैं पाउडर बना सकते हैं आ? हाँ वो मिट्टी बिल्कुल शुद्ध होती है राख हाँ राख भी होती है हाँ उस उसके राख का भी बना सकते हैं और कई लोगों से हमने सुना कि पकी मिट्टी का भी कुछ मिला के उसको भी बनाते हैं जैसे गेरू होता है ना तो जो लाल दंत मंजन होता है उसमें मिलाया जाता है तो वैसे ही आप लाल दंत अपने घर में बना सकते हैं कुछ लोग जो है गंगा के बालू से भी माँजते हैं लेकिन ज़्यादा रगड़ रगड़ करके फिर दांत उनके फिर बिल्कुल समाप्त तो हो जाते हैं कुछ कोयले से भी माँजते हैं लेकिन उसमें कुछ उसमें नमक डालते हैं तो ये बात है एक प्रश्न सुमंत जी का आया था कि काल जब हम उठते हैं कुछ लोगों को ये समस्या होती है ठंड में उनको ठंडा पानी लगता है दांतों में और गर्मी में भी यदि ठंडा पानी प्रयोग करते हैं तो भी लगता है किसी को गर्म पानी लगता है किसी को ठंडा पानी लगता है उसके मूल में क्या है कि हमने अभ्यास को इतना बिगाड़ दिया है हमारे जो अभ्यास है वो परिपक्व नहीं हुए जैसे जो व्यक्ति अधिक चाय का सेवन करता है जो व्यक्ति कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करता है उसको ये समस्याएं होंगी जो अत्यधिक गर्म पानी पीता है या अत्यधिक ठंडा पानी पीता है तो आँख उसको दांतों में ये समस्याएँ होंगी उसके दांत कभी ठंडा कभी गर्म से परेशान रहे रहेगा ही रहेगा उसके लिए ये है कि सम का प्रयोग करें किसी भी स्थिति में रहें न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म सम अवस्था का जल आप जो है पिए या सम अवस्था का कोई भी पदार्थ आप खा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा उष्ण पदार्थ ना सेवन करें ज़्यादा गर्म पदार्थ ना सेवन करें कुछ लोग तो इस पर बड़ी जो है महारत हासिल करते हैं कि बिल्कुल गर्मा गर्म चाय बोलते हैं कि आप पियेंगे कि हम पियेंगे देखते हैं शर्त लगाते हैं शरीर के भी अंगों से हम यदि शर्त लगाएं या उसमें होड़ करें तो हित नहीं होगा तो गर्मा गर्म चाय पूरा पी जाते हैं फिर उनके दांत और आँत दोनों जल्दी ही खराब होते हैं इस पर हमको ध्यान देना चाहिए और आगे कह रहे हैं अंजन के विषय में क्योंकि आँखों का स्वस्थ रहना हमारे लिए सर्वोपरि है यदि हमारी आँखें स्वस्थ नहीं हैं तो संसार में हम जो व्यवहार करते हैं वो उस व्यवहार को हम ठीक ठीक नहीं कर पाएंगे तो आयुर्वेद ग्रंथों में अंजन का विशेष महत्व बताया गया है अंजन का बिगड़ा रूप काजल जिसको बोलते हैं सूरमा बोलते हैं उसका लोगों ने प्रयोग करना आरंभ कर दिया लेकिन जो यहाँ पर आयुर्वेद ग्रंथों में अंजन की बात कही गई है वहाँ है कि सौवीरमंजनम नित्यम हितम तो भजेत चक्षुस्तेजोमयम तो भयम कह रहे हैं कि सौवीरमंजनम नित्यम प्रत्येक जो आँखों की रोशनी को चाहने वाला व्यक्ति है सभी चाहते हैं तो तथा अक्षो हितम सौवीरम अंजनम नित्यम भजेत दातोन के पश्चात मुख मुख धावन के पश्चात धावन के पश्चात नेत्रों के लिए हितकारी सौवीर अंजन का प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए इससे क्या होगा क्योंकि नेत्र तेजोमय से होता है इसलिए उसे कफ से विशेष भय रहता है अतः नेत्रों से विकृत कफ को निकालने के लिए सप्ताह में एक बार कम से कम रसांजन का प्रयोग करना चाहिए कुछ ऐसे पदार्थ आयुर्वेद ग्रंथों में आते हैं इसका विशेष अध्ययन करेंगे तो ये मिलेगा कुछ चूर्ण के रूप में कुछ रस के रूप में आँखों में डालते हैं जिससे आँखों से आंसू निकलते हैं और आंसू निकलते हैं तो क्या होता है उसके ऊपर का जो मल होता है आँखों से वो निकल जाता है जैसे लोग गुलाब जल का सेवन करते हैं या पतंजलि योग पीठ से दिव्य दृष्टि का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि आँखों का जो दूषण है जो दूषित चीज़ें ऊपर होती हैं वो साफ़ हो जाती हैं उससे आंखें बहुत देर काल तक बहुत ही आ, रोशनी को प्रदान करने वाली होती हैं हमको कोई चीज़ धूमिल नहीं दिखाई पड़ती धुंधलापन पर नहीं आता आँखों की रोशनी देर काल तक बनी रहती है इसलिए प्रातःकाल इसका प्रयोग करते हैं ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक है क्योंकि आप देखते होंगे छोटे बच्चे जब होते हैं शिशु होते हैं तो माताएं है उनको ज़बरदस्ती उनकी आँखों में सरसों का तेल डाल देती हैं या अन्य कोई औषधि डालती हैं फिर बच्चा बड़ा रोता है क्यों क्योंकि आँखों पर जब पड़ेगा तो उससे जो है थोड़ा सा हल्का सा जलन होती है तो उससे घबराहट थोड़ी होती है दिव्य दृष्टि भी डालने पर थोड़ा सा वो होता है जैसे शुद्ध शहद हो और सफ़ेद प्याज का रस हो ये चीज़ें क्या होती जब आप देखे होंगे माताएं या कोई जब प्याज काटते हैं तो भी उसके रस से आँखों में आंसू आ जाते हैं तो क्या होता है कि उसके प्रभाव से जो आंसू गिरते हैं बाहर जो पानी आता है उससे आंखें जो है बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं स्वच्छ हो जाती हैं कुछ लोग जो है संतरा होता है तो संतरे के जो जो छिलका होता है उसका भी प्रयोग करते हैं उससे क्या होता है कि उसमें जो रस निकलता है आँखों पर डालते हैं तो उससे आंसू आते हैं और आँखें साफ हो जाती हैं ये बचपन में आप देख सकते हैं ऐसी, ऐसी ऐसी क्रियाओं को तो इससे क्या होता है आँखें हमारी दीर्घकाल तक वैसी की वैसी बनी रहती हैं अचाज जी आजकल जो काजल है ना जी फैशन के रूप में यूज करने लगे जैसे संगीत पहले जंगलों में था आश्रम में था फिर रजवासी में आ गया अब ओपन हो गया इसी तरह काजल है ना फैशन के रूप में आ गया जी तरह तरह, तरह, तरह केमिकल उसमें यूज होते हैं हाँ, चेहरे की सुंदरता के लिए आँखों की सुंदरता के लिए कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि लोग अब जैसे कहा जाता है और लोग लिखा भी करते हैं अपने दुकान के सामने कि फ़ैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें तो लोग फैसन के तौर पर क्या क्या थोपते हैं इसकी आप जो है कल्पना कर सकते हैं और देखते भी हैं इससे उनमें आयुष्य नहीं बढ़ेगा ये भी आप देखते हैं कि छोटी सी उम्र से लोगों ने ऐसा खान पान ऐसा आहार विचार व्यवहार कर दिया कि छोटी अवस्था में ही छोटे छोटे बच्चों को मोटे मोटे चश्मा लग जाते हैं इतने हाई पावर के चश्मे लगते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं दोष तो है ही है क्योंकि हमने ऐसे आहार ऐसे विहार को छोड़ दिया ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को करना छोड़ दिया तो उसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा शरीर पर ये कह रहे हैं कि चक्षुराक्षाँ सर्वकाल मनुष्यहि ही यत्न कर्तव्य जीवते आवदिच्छा व्यर्थो लोकयां तुलात्रि दिवा पुंसाधा कि जो जब तक व्यक्ति जीने की इच्छा करे तब तक नेत्रों की रक्षा मनुष्य को सर्वदा करनी ही चाहिए बिना नेत्रों की रक्षा किए हम लोक का व्यवहार नहीं कर पाएंगे भाई कुछ आँखें आई हैं देखने के लिए जब हम आ, हमारी आँखें काम नहीं करेंगी तो हमको कुछ नजर नहीं आएगा तो आँखों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है आँखों का मतलब ये पूरे शरीर में ये ऊपर का जो गर्दन से ऊपर का अंग है मुख है ये बहुत महत्वपूर्ण है पूरे शरीर से ये महत्वपूर्ण है और इसमें भी महत्वपूर्ण क्या है आँख है क्योंकि आँख से हम अनेक प्रकार के व्यवहार करते हैं आँखों से हम देखते भी हैं जो इसका मुख्य काम है और आँखों से हमारी करुणा भी छलकती है, है? आँखें जब रोती हैं तो लगता है कि व्यक्ति बहुत ही करुणा में है आँखों से व्यक्ति बहुत कुछ कह देता है बोले आपकी आँखें आज बता रही हैं आप, आप नाराज़ हैं या प्रसन्न हैं सुखी हैं दुखी हैं ये आँखों की जो है पहचान होती है तो आँखें हमारे अंदर का भाव प्रकट करती हैं यदि व्यक्ति प्रसन्न है तो प्रसन्नता नज़र आएगी यदि अप्रसन्न है तो आंखें उसकी बताएं या अप्रसन्न है क्रोध से आंखें बोलते लाल पीली हो गई आंखों पर विशेष प्रभाव पड़ता है आंखों से ही स्वीकृति होती है आंखों से ही निषेध होता है तो पूरे शरीर में आंख जो है विशेष प्रधान अंग है आंखों से हमने कुछ बोला नहीं और केवल आंखों से हमने वो कर दिया यदि आँख ना हो तो आप मोबाइल नहीं चला पाएंगे आँख ना हो तो आप ड्राइविंग नहीं कर पाएंगे आँख ना हो तो आप पढ़ नहीं पाएंगे आँखों का विशेष महत्व तो है कहते हैं इंगितेन चेष्टितेन, निमिषितेन। तीन प्रकार से भी आँखें प्रयोग कर जो है प्रयोग में लाई जाती हैं इंगितेन किसी को कोई इशारा करना है ठीक है आप देखिए इशारा करते हैं आँखों से इंगित कर देते हैं और चेष्टा करते हैं स्वीकृति देते हैं तो आँखों का विशेष महत्व है तो आँखों के लिए अंजन जैसे दांतों के लिए मंजन वैसे आँखों के लिए अंजन की विशेष आवश्यकता होती है अंजन का प्रयोग खूबसूरती के लिए खूबसूरत दिखने के लिए तो लोग करते ही करते हैं काजल के रूप में करते हैं परंतु यह किसी जो है युवक किसी युवती किसी स्त्री किसी पुरुष की बात नहीं यहाँ पर हो रही है ये सभी के लिए आवश्यक है चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो सब के लिए अत्यंत आवश्यक है कि सवीर अंजन नित्य प्रति नेत्रों में लगाना चाहिए कह रहे हैं शवीरमजनम नित्यम हितम अक्षणों प्रयोजित लोचने तेन भवता सुनिग्धे घन पक्ष मणि तो कह रहे हैं कि ये जो सविंजन है नित्य प्रति नेत्रों में लगाना चाहिए इससे नेत्र स्निग्ध सघन पक्ष मुक्त तीनों रंग स्पष्ट विमल सुंदर एवं सूक्ष्म वस्तुओं के दर्शन के योग्य हो जाते हैं आँखों की रोशनी बहुत तीव्र हो जाती है नेत्र तेजों में है अतः कब से इनको विशेष रूप से भय रहता है इनको बताना जो है इनको निश्चित रूप से स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है तो आँखों के विषय में कभी भी हमको लापरवाही नहीं करनी चाहिए और इसका विशेष रक्षण करना चाहिए शेष की चर्चा आगे करेंगे अभी यहीं तक ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः